आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो आज का नया पॉइंट है सामग्री निर्गमन पर नियंत्रण। इस पे यहाँ पे कंट्रोल आवर इश्यू ऑफ मटेरियल है इंग्लिश में। ये टोटली मेन तरीका जो है ना आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, टोटली तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन मेन तरीके आपके चार ही हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं। पहला मेथड है आपके फीफो मेथड, पूरा नाम होता है प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है अभी आपके लिफो मेथड। देखो इसका मतलब क्या होता है, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, मतलब इसमें ज़्यादातर ये रखते हैं फीफो मेथड, जिससे क्या होता है कि पुराना माल जो है ना वो हमें बेचते रहना जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, फिर हम सेकंड माल जो सेकंड रेट पर आया उसको बेचेंगे, तो जो नई रेट अब आया है उसको हम बाद में बेचेंगे, पहले जो आया है तो उसको पहले बेचेंगे। लिफो में क्या होता है, हम जो लास्ट में आया उसको पहले बेचें, लिफो मेथड। जैसे अलग भाव आते हैं, 10 का भाव का लिया हमने पहले, फिर 9 का भाव का ले लिया, फिर 8 का भाव का ले लिया, जैसे बेचने की बारी इससे बेच रहे हैं। रेटें गिर रही है तो आपका नुकसान हो जाएगा, रेटें बढ़ रही है तो आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। जैसे भाई आपने माल खरीदा इतने से, आप 8 में बेच रहे हो तो फिर नुकसान भी हो सकता है आपके, तो पीछे से बेचिए उल्टा। क्वेश्चन कराएंगे अभी, प्रैक्टिकल समझा देंगे। एक है आपके सिंपल एवरेज मेथड, इसमें आपको फीफो का भी ध्यान रखना है, इसमें फीफो भी इंक्लूड है। क्या करना है आपको, सिंपल एवरेज में क्या करना है, रेटों को जोड़ना है कि हमारे पास 8 का माल है, मेरे पास 9 का भी पड़ा है, 10 का भी पड़ा है, तो तीनों का एवरेज लो, 3 है ना तो 3 का भाग लगाओ, 2 है तो 2 का भाग लगाओ, और हमें क्या निकालना है उसका एवरेज निकालना है, फिर उसके हिसाब से आपको बेचना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है फीफो भी चलना चाहिए साथ में। फीफो किसके लिए होना चाहिए, केवल यूनिट के लिए। जैसे मेरे पास 100 रुपये, जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 100 का माल है 8 रुपये का और 200 का माल है 7 रुपये का, ऐसे है। मैंने बेचा, मैंने 50 यहाँ पर बेच दिया, मान लो इसका एवरेज निकाल कर, इसका एवरेज आता है कितना, 7.5, एवरेज निकाल के बेच दिया हमने, फिर 50 मैंने और बेच दिया। अब एक और माल हमने खरीदा 9 रुपये का, तो अब ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ऐसा नहीं है, अब आप तीनों लो, तीनों लेने से पहले सोचना है कि मैंने कितना माल बेच दिया, मैंने कितना माल बेच दिया, 100 यूनिट मैंने बेच दी, तो 100 आपका ऊपर वाला भाव चला गया, अब आपके पास ये 2 भाव बचे हैं। क्वेश्चन आएगा तब अच्छे समझाएंगे, और समझ नहीं भी आया तो वहाँ समझा देंगे। फोर्थ मेथड है आपके वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जितने भी रुपए हैं वो लेने, टोटल अमाउंट आपको लेना है, और जितनी भी यूनिट है उसका क्या लगा दो, आप भाग लगा दो, भले ही वो अलग अलग है। जैसे ये रुपए होते हैं आपके 800, ये होते हैं 1400, ये होते हैं 2700, तो तीनों की जोड़ में इन तीनों की जोड़ का भाग लगा देंगे, इन तीनों की जोड़ करो, इनका जोड़ करो और भाग लगा दो, इससे एक रेट निकलेगा, वो रेट हम लगाएंगे इश्यू के लिए, इश्यू के लिए रेट लगाएंगे हम, तो ऐसे वेटेड के करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें चारों मेथड हम ले लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। खास तौर से सिंपल का थोड़ा ध्यान देना है, बाकी वाला तो ईजी है। सिंपल में क्या है कि यूनिट के लिए फीफो मेथड भी चलता है। जैसे अगर मेरे पास 8 का भाव है, अगर मैं यहाँ पर 50 नहीं बेचता, कितनी बेचता, केवल 40 ही बेचता, इसका मतलब मुझे क्या करना है, 90 ही बिकी है, अभी भी इसकी 10 इकाइयाँ बाकी है, मतलब ऐसा समझना, इकाइयाँ मैं ऐसे बेच रहा हूँ और रेट मैं ऐसे लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ, 8, 7, 9 तीनों लेने हैं, फिर 3 का भाग लगाना है, तीनों लेकर 7 + 8 + 9/3 क्या भाव आया, 8 का, तो 8 का भाव हम इश्यू करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो सब एक जैसे ही, कोई एकाधा कुछ चेंज आएगा, कुछ नया होगा तो मैं आपको अलग से दिखा दूंगा एक क्वेश्चन पूरा करके। अभी ये वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें देखो आपके परचेज देर का है, 3 परचेज, पहले परचेज, फिर और परचेज, फिर इश्यू, फिर परचेज, फिर इश्यू है, फिर परचेज, फिर इश्यू, ऐसे देर का है। मेथड यहाँ पर 2 ही देर का है, फिफो और लिफो, लेकिन मैं चारों करके दिखा देता हूँ आपको कंप्लीट, ये वाला टोटल क्वेश्चन है हमारा, इसके हिसाब से चारों करके दिखा देते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम फिफो, पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ाएंगे। सबसे पहले है आपके फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर, और क्या लिखते हैं, परचेज है, परचेज मतलब रिसीव किया,
कितना रिसीव किया हमने, 100 क्वांटिटी रिसीव किया, क्या भाव से किया था, 10 रुपए के भाव से। बैलेंस तो नहीं है ना पुराना कोई भी, बैलेंस बैलेंस इसमें नहीं है आपके, तो बताओ कितना हो गया, 1000 रुपये। 100 इकाइयाँ खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया आपके, 1000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि मेरे पास 1000 रुपये का माल है जो 100 यूनिट है और क्या भाव से पड़ी है, 10 रुपए के भाव से। ऐसा पीछे लिख सकते हो, ये बैलेंस के लिए ऐसे लिखते हैं, बैलेंस में अमाउंट पहले आता है और पीछे लिख सकते, उसके बारे में वर्किंग नोट लिख सकते हो। फिर है सेकंड, सेकंड भी आपके परचेज ही है, मतलब रिसिप्ट है, कितना रिसिप्ट है, 200। क्या भाव से है वो, 11 के भाव से, कितने हो गए आपके, 2200। अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ऐसे डैश लगा दो। अब यहाँ पर देखो, 1000 ये हो गया, 2200 ये हो गया, कितना हो गया, 3200 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 3200 रुपये। और यहाँ पर आपको अलग दिखाना है, ये दोनों साथ में दिखाना, क्या लिखोगे, 100 तो मेरे पास पड़ी है 10 के भाव से और 200 मैंने अब नई खरीदी है 11 के भाव से, इन दोनों का साथ में अमाउंट है 3200। इस वाले को भी वापस यहाँ पर दिखाना है आपको, ये ध्यान रखना, ये हो गया, समझ में आ गया। अब है आपके पहला, वापस है पहला इश्यू आया है आपके, इश्यू है तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब इश्यू है तो देखो, यहाँ पर 175 इश्यू है, लेकिन ध्यान देना है मेथड कौन सा है आपके, फीफो मेथड है, पहले आया पहले बिकेगा, मतलब पहले आपको इसको बेचना है। अब देखो यहाँ पर जो अमाउंट है ना वो कितना है, 175 भेज रहे हैं, लेकिन पहले जो कितना है आपके, 100 ही है, क्या भाव से लेंगे हम, 10 रुपये। मुझे 175 भेजनी है, बाकी कितनी बच गई, 75 बच गई, 75 आपको यहाँ और लेनी है, लेकिन नए भाव से लेनी है, 11 के भाव से लेनी है। अब इन दोनों का साथ में अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, लाओ कैलकुलेटर गुणा भाग कर देते हैं, अभी आता है फिक्स लेंगे, आपको देखो समझा देते हैं कैसे करना है कैलकुलेटर से। देखो 100 को तो गुणा करेंगे हम किससे, 10 से, लगाएंगे एम प्लस, फिर है 75 × 11 वो भी एम प्लस, फिर एक साथ लगा दो एम आर सी, तो ये आएगा आपके 1825 रुपये। ये क्या करता है, एम प्लस दबाएंगे तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, एम आर सी मतलब दोनों की जोड़ साथ में हो जाएगी। अब क्या करना है, देखो ये माल तो पूरा बिक गया, अब आपके पास इसमें से भी चला गया 75, इसमें से कितना बचा, 125 बचा है 11 के भाव वाला, 10 वाला भाव तो चला गया पूरा, अब 11 का भाव हमारे पास बचा है। अब हम क्या करेंगे, 125 को गुणा करेंगे 11 के भाव से, तो कितना होता है, 1375। आप चौदह इन दोनों की जोड़ करके देख लो, ये उत्तर आना चाहिए, प्लस कितना था ये, 1825, ये देख लो 3200 वापस होता है। बैलेंस चेक करके देख लेना कि ये जो रुपये थे ना, हमने इसको दो भागों में बांट दिया, आधा बेच दिया थोड़ा रख लिया। अब अगला वाला जो है ना आपके, वो है परचेज, थर्ड परचेज है, तो हम थर्ड लगाएंगे और परचेज में लिखेंगे कितना, 250, और रेट दे रखा है आपके 12 रुपये के हिसाब से, तो ये कितना होता है, 3000 होना चाहिए, ये हो गया 3000। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा दो डैश, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर देखो 1375 यहाँ पर है, 3000 यहाँ पर, रुपये रुपये जोड़ लो, तो 3 और 1 होते हैं 4375। अब भाव लगाएंगे, देखो ये हमारे पास पहले से ही पड़ा है, कितना, 125 पड़ा है 11 के भाव से, हर एक का इसका अलग अलग बताना है आपको, इसके अंदर इसकी दोनों की जोड़ है, तो ये भी लिख दिया हमने, और 250 का माल है 12 के भाव से, यहाँ पर ऐसे लगा देंगे हम, कॉलम बना दो, हमारे पास दो चीज़ों का माल अभी भी पड़ा है। अब थर्ड सेकंड इश्यू है, इश्यू है ना, तो आपके इश्यू में आएगा कितना इश्यू किया हमने, 275 इश्यू किया। अब देखो मेरे पास यहाँ पर कितना है, फिफो है ना, तो पहले ऊपर वाला बेचेंगे, तो कितना बेचेंगे ऊपर वाला, 1100 11 के भाव से, 1100 11 कितना होता है, 1375 होता है, लेकिन वो बाद में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मुझे बेचना कितना है, मुझे बेचना है 275, मैंने 125 पुराना वाला माल बेच दिया, तो अभी मुझे और कितना बेचना है, 150 का माल और बेचना है, और क्या भाव से बेचूंगा मैं, 12 के भाव से बेचूंगा, तो 150 × 12 एम प्लस, फिर 125 × 11 एम प्लस, फिर है आपके एम आर सी, ये होता है आपके 3175। अब देखो 250 में से 150 का माल मैंने यहाँ पर बेच दिया, अब मेरे पास कितना माल और बचा है, 100 बचा है, 250 में से 150 बेच दिया, 100 बचा है,
क्या रेट का बचा है, 12 की रेट का बचा है, तो 100 × 12 कितना होता है, 1200। आप चाहो दोनों को जोड़ लो, 31 और 12 = 23 होते हैं, मिल भी जाएगा आप ऑटोमेटिक। अगला है आपके, ये भी हो गया सेकंड इस, अब है आपके फोर्थ परचेज। फोर्थ परचेज है भी आपके 100 इकाई, और क्या भाव से है 100 इकाई आपके, 12.5 के भाव से, तो कितना होता है, 1250 रुपये होते हैं गुणा करने पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा बैलेंस में आ जाओ कि मेरे पास 1200, ये 1200 कितना हो गया, 2450। मेरे पास ये वाला पहले से ही पड़ा था, 100 कितने का पड़ा था, 12 के भाव का। मुझे इसके सामने लिखना है कि मेरे पास क्या क्या पड़ा है, इसमें ये भी है और 100 साथ में ये वाला भी है, 100 इकाई है मेरे पास 12.5 के भाव की, ये दोनों मिलाकर होते हैं 2450 रुपये। अब मुझे क्या करना है, इश्यू करना है 50, तो थर्ड इश्यू है तो वो हम कर देते हैं। कितना है थर्ड इश्यू, 50 का है। अब भाव क्या लेंगे हम, फीपो, ये ऊपर वाला भाव लेंगे हम, क्या लेंगे, 12 का भाव लेंगे, और ये होता है अभी आपके 600। सेकंड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपके। अब यहाँ पर देखो, 100 में से 50 बिक गया, कितना बचा है, 50 बचा है 12 के भाव से, और 100 बचा है 12.5 के भाव से, और तो 12.5 में ये घटाएं कितना आएगा आपके, 1850 आएगा। 24 में 6 आ गया 18, ये आ गया आपके 1850। अब है आपके लिफो, वापस से वही करना है, स्टार्टिंग से पहले क्या है आपके, परचेज है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100 इकाई मैंने परचेज की 10 के भाव से, कितनी हो गई, 1000। बैलेंस हर बार आपको लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे मेरे पास 1000 रुपये का माल है जो 100 इकाइयाँ हैं 12 के भाव, नहीं तो आप चाहो डैश लगा देना, 100 × 20 लगा दें, अगली बार लगा देंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखो, आपको सेकंड और परचेज किया आपने, कितना परचेज किया है, 200, क्या भाव से, 11 के भाव से, कितना होते हैं, 2200। अब 2200 और 1000 कितना हो गया अभी आपके, 3200, ऐसा लिख देना, 100 है 12 के भाव की और 200 है 11 के भाव की, ऐसे इसकी जोड़ में ये दोनों का है हिस्सा, ऐसे ऐसे ये होता है दोनों में। अब क्या करना है आपको, पहला इश्यू है, अब पहला इश्यू कितने का है, 175 का है। अब देखो, लिफो मेथड है तो पीछे से चलना पड़ेगा, इधर से पूरी पूरी यहीं से ले लेंगे हम, हाँ तो 175 लेंगे हम 11 के भाव से, तो ये लेते हैं हम 175 × 11, ये होता है आपके 1925 रुपये, माइनस कर दो 3200 रुपये, ये आता है आपके 1275 रुपये। इसमें लिखना कि 100 मेरी अभी भी कितने के भाव की पड़ी है, 12 के भाव की, मैंने कौन सी बेची, इसमें से बेची, इसमें से 25 और बची है 11 के भाव की, लिखो मतलब पीछे से चलना है आपको, ये ध्यान रखना। अब है आपके थर्ड परचेज, थर्ड परचेज जो है ना वो कितनी दे रखी है, 250 दे रखी है 12 के भाव से, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 250 × 12, ये होते हैं कितने आपके, 3000 होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें 3000 जोड़ दो तो कितना होता है, 4275। इसमें लिखना है कि 100 तो है आपके 12 के भाव की, 25 है आपके 11 के भाव की, और 250 है आपके 12 के भाव की, ये 10 है ना यहाँ पर, हाँ सर, 10 दस दस दस, मैं ही बार बार गलती लिख के जा रहा हूँ, अच्छा आपका काम नहीं है। तो ये हमारे पास कितने भाव हो गए, 3 भाव हो गए। अब क्या करना है आपको, इश्यू करना है, तो सेकंड इश्यू लेते हैं हम, इश्यू कितना है, 250 है, तो उल्टा चलना है, उल्टा चलेंगे तो पूरा पूरा 275 है, 275 है, 275 क्या करेंगे हम, यही ले लो दोनों पीछे वाला, तो क्या आएगा, 250 आएगी आपके 12 के भाव की, और 25 आएगी 11 के भाव की, तो बताओ मेरे कितना बच जाएगा, ओनली 100 बचेगी, 10 के भाव की, कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, मतलब इसमें से 1000 गया, कितना आया, 3275। अभी मेरे पास ओनली एक भाव पड़ा है, 10 रुपये वाला एक भाव पड़ा है हमारे पास। अब लेते हैं हम यहाँ पर फोर्थ परचेज, फोर्थ परचेज कितना है, 100 इकाइयाँ हैं 12.5 के भाव से, तो कितने होते हैं, 1250।
अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये और ये दोनों कितने होते हैं 2250, और यहाँ लिखना है मेरे पास 100 है 10 के भाव की और 100 है 12.5 के भाव की। अब मुझे क्या करना है, थर्ड इश्यू है, थर्ड इश्यू जो है वो मेरा कितने रुपए का दे रखा है, 50 इकाई का है, 50 हम पीछे से ही लेंगे और 12.5 के भाव से ले लेंगे, तो 12×5=25 क्या 625 हो जाएगा, 625 में से घटा दो तो पीछे बच जाएगा आपके 1500, ये होता है ना पॉइंटों में। अब यहाँ देखो 100 क्या बचा आपके 10 के भाव का, और 50 क्या बचा आपके 12.5 के भाव का बचा, ये है ना भाव, घटा कर देखो एक यहाँ घटा देंगे कितना आएगा आपके 1625। किताब में ही कुछ गलत छपा हुआ आप। अब है भाई आपका सिंपल एवरेज मेथड, इसमें क्या करना है आपको, फीफो वाला भी क्या करना है आपको ध्यान देना है। फीफो वाला कैसे ध्यान देना, फीफो वाला मेथड ये रहा है, फीफो का लिफो है, ये रहा आपकी फीफो मेथड, इसमें ध्यान देना है कि पहले मेरे पास भाव कितना था, पहले लाइन में एक ही भाव था, सेकेंड लाइन में मेरे पास दो भाव थे, इसमें एक भाव, इसमें दो भाव, इसमें एक भाव, इसमें दो भाव, और भाव देखो 10 वाला भाव चला गया स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे यहाँ आता है 11 वाला भाव भी चला गया। तो ये इस चीज़ों का आपको ये भाव भाव ध्यान रखने पर, सेकंड वाले में ये फिर ऐसे ऐसे भाव आपके ध्यान, इसका भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि हमें सब रेट का ही ध्यान देना है। अब कैसे, अब आप कहोगे देखो अभी सवाल करते ही आपको मालूम चल जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पहला परचेज लेते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं अभी फर्स्ट परचेज कितनी है, अभी 100 है 10 के भाव से कितना हो गया आपके 1000, तो यहाँ पर डैश लिखना है, और यहाँ क्या लिखोगे अमाउंट, और यहाँ क्या लिखोगे ओनली रेट, क्वांटिटी का ध्यान मत देना यहाँ पर, क्या रेट का पास मेरे पास माल पड़ा है 10 की रेट का मेरे पास माल पड़ा है। अब हम लेते हैं सेकंड, सेकंड और परचेज है, और कितना है आपके 200 है 11 के भाव से, बताओ कितना होता है 2200 होता है, हम क्या करेंगे भाई कितना हो गया मेरे पास, अब 3200 का माल है और मेरे पास दो भाव हो गए, एक 10 का भाव और एक 11 का भाव हो गया, मुझे पहला माल बेचना है, पहला इश्यू करना है, कितना इश्यू करना है मुझे 175। अब क्या रेट से करना है, जो मेरे पास इससे पहले भाव होंगे उसका क्या निकालेंगे हम एवरेज, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 10+11/2 कितना होता है 10.5 का एवरेज लेंगे, और 10.5 हम यहाँ पर लिख देंगे 10.5, 10.5 का हम एवरेज लेंगे यहाँ पर, तो कितना होता है अभी आपके 175 × 10.5, ये कितना हो गया आपके 1837.50 -3200, तो ये होता है आपके 1362.50। अब देखो ध्यान देना, इसमें फ्लिफो वाला भी आपको वो फिफो वाला भी ध्यान में देना है, 175 हमने कहीं बेची ना, हम ऐसा मानेंगे कि इसकी 100 इकाएँ भी चली गई होंगी, इसका मतलब ये भाव मेरा चला गया था, अब मेरे पास कौन सा भाव बचा ओनली, तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे पास 11 का भाव बचा ऐसे। अब ये 10.5 का ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आपको लिफो वाला यूनिट में ध्यान देना है कि 100 इकाई बेची, 175 यहाँ पर बेच दी हमने, इसका मतलब ये वाली पूरी बिक गई होगी, अभी भी इसकी कुछ इकाइयाँ पड़ी है, ऐसा मानेंगे अभी भी कुछ है, तो वो 11 का भाव ही मेरे पास पड़ा है, सिंपल में ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिर देखो हमारे पास थर्ड परचेज है, 250 के भाव से हमने 12 कितना हो गया अभी आपके 3000, अब 3000 में ये जोड़ देंगे ये वाला और ये वाला, कितना हो गया 4362.50, मेरे पास 11 का भाव पहले से ही पड़ा था और 12 का भाव एक और हो गया। अब क्या करना है आपको, सेकंड इश्यू करना है, तो मैंने करना है अभी सेकंड इश्यू, इश्यू करेंगे कितना इश्यू करना है आपको 275 इश्यू करना है, 275 इश्यू करेंगे, तो अब यहाँ पर देखो भाव क्या लेंगे दोनों का 11, जैसे ही हम बेचेंगे ना तो इसके सामने जो लिखा हुआ ना इसको ही क्या निकालना है आपको एवरेज निकालना है, 11+12/2 देखो दो है तो दो का भाग दे रहे हैं, तीन भाव होते तो तीन का भाव होते थे, तो यहाँ कितना हो गया भाई आपके 11.50 रुपये हो गए, तो यहाँ हम लेंगे 11.50 रुपये, तो 275 × 11.5 ये होता है अभी आपके
3162.50 -4362.50, ये वाला इसमें घटा देंगे तो ये आएगा भाई आपके 1200। अब भाव कौन सा लिखेंगे, देखो फीफो वाले पे जा सकते हो चाहो तो, जैसे फीफो वाला में मैं यहाँ पर गया, ये रहा फीफो मेथड, तो मैं यहाँ पर हूँ ये माल बेचने के बाद ये बचा ना मेरे 1200, तो वो 1200 वाला भाव मेरे पास बचा हुआ है, भाव से मतलब होना चाहिए। या समझ लो कि मैंने कितना माल बेचा है, ये माल बेचा और ये माल बेचा, तो यहाँ पर तो ये 300 है ना, तो 300 चला गया होगा क्योंकि 300 मैंने तो 400 से भी ज़्यादा माल बेच दिया, 200 प्लस 300 देखो 100-200 ये चला गया। अब जो भी माल बचा है ना, ये और ये बचा है 150, ये भी हमने इससे बेचा है ऐसे, तो हम यहाँ लिखेंगे मेरे पास 12 के भाव वाली चीज़ें बची हुई है। तो ये थोड़ा लिफो वाला फीफो वाला भी साथ में आपको ध्यान देना है, ये 2-3 बार करोगे क्वेश्चन तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब है आपके फोर्थ परचेज, कितनी है 100 इकाइयाँ हैं 12.5 के भाव की, तो कितने हो जाते हैं 1250, 1200 और 1200 कितने हो गए आपके 2450। मेरे पास दो भाव है, 12 का भाव तो मेरे पास पहले ही था, ये भाव कम ज़्यादा तभी होगा जब इश्यू करेंगे, अभी मेरे पास 12 का भाव पहले से पड़ा था, 12.5 के भाव की और मेरे पास माल आ गया, तो ये 12.5 का भाव भी मेरे पास पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इश्यू करेंगे तो वो है आपके 50 यूनिट है, और क्या करेंगे इन दोनों का ये मुझे क्या लेना है एवरेज, 12 + 12.5 / 2, तो ये होता है आपके कितना 12.25, एवरेज निकाल लेना, तो ये होता है आपके 12.25। तो हम यहाँ लेते हैं 50 × 12.25, ये होता है 612.50, इसमें से घटा दो -2450, तो ये हो गया आपके 1837.50। अभी भी देखो अभी अगर सभी अगर माइनस करें ना तो भी आपके, अगर यहाँ फीफो में देख सकते हो, अगर आपने फीफो भी किया हुआ है तो मेरे पास दो भाव पड़े हैं, तो मैं भी यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास अभी भी दो भाव 12.5, इसकी भी 50 इकाइयाँ मेरे पास पड़ी है, और ये वाला पूरा अभी तक बेचना बाकी है, तो मेरे पास ये दो भाव है, ऐसे आपको याद आया कुछ समझ। अब देखो भाई ये वेटेड एवरेज मेथड देखना है, सबसे पहला परचेज कितना है 100 इकाइयाँ 10 के भाव से, कितना होता है 1000, यहाँ पर लिखते हैं डैश और यहाँ लिखेंगे हम 1000, और यहाँ पर रेट नहीं लिखना है, यहाँ पर ओनली क्या लिखनी है क्वान्टिटी लिखनी, आगे समझ केवल 100 यूनिट, ये आपको ऐसे लिखना है ओनली क्वांटिटी। अब सेकंड क्या है, 200 हमने खरीदी है 11 के भाव से, तो मेरे पास कितना हो गया 2200 रुपये। अब रुपए टोटल लिखना है तो 1000 और 2200 कितने हो गए 3200, इकाई कितनी हो गई 100 पहले थी 200 और खरीद ली कितनी हो गई 300। अब मुझे फर्स्ट बिक्री करनी है, कितना माल बेचना है मुझे 175 का, यहाँ पर फीफो लिफो कुछ ध्यान नहीं देना है, बस जैसे आपको रेट निकालनी हो ना, जैसे मुझे यहाँ बेचना है तो इसके ऊपर वाला जस्ट यहाँ पर लेना है आपको 3200 / 300 करके, यहाँ से एक रेट निकालनी है, पॉइंट में 200 ज़्यादा नहीं लेना है, तो यहाँ लिखेंगे 3200 / 300, तो यह आएगा 10.67। अब क्या करेंगे हम इसको गुणा करेंगे 175 को गुणा करेंगे 10.67 से, ये आता है 1867.25 -3200, तो ये होता है आपके 1332.75। मेरे पास कितनी कहे थी 300, कितनी बेच दी अभी कितनी बची है 125, बस इकाइयाँ कितनी बची रुपए कितने बचे ये आपको लिखना है। अब थर्ड परचेज कितनी है हमारी 250 इकाइयाँ 12 के भाव से, कितना हो गया 3000। अब ये दोनों जोड़ लो तो 4332.125 ये रहा 250 ये रहा, कितना हो गया 375, यहाँ लिखेंगे 375 यूनिट। फिर यहाँ पर हम सेकंड इश्यू करेंगे, इश्यू कितना है हमारे पास 275, कैसे निकालेंगे इसके जस्ट ऊपर वाला जो दे रखा ना 4332.75 / 375,
तो 4,332.75/375 ये होता है आपके 11.55 की रेट आई, वो रेट हम यहाँ पर लेंगे 11.2 पॉइंट तक, ज़्यादा मत लेना, इंटू 275 ये होता है 3176.25 माइनस 4,332.75 ये होता है 1156.5। इकाई कितनी बची? 375 में 275 कितनी बची? 100 यूनिट बची। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ परचेज करेंगे। परचेज कितनी करनी है? फोर्थ परचेज आपको 100 इकाई परचेज करनी है 12.5 के भाव से, तो कितना होता है 1250। 1250 जोड़ लेंगे अंदर तो ये होता है आपके 2406.50। और इकाई कितनी होगी? 100 तो पहले थी, हमने 100 और खरीद ली, कितनी हो गई आपके 200 यूनिट हो गई। अब हम करेंगे थर्ड इश्यू। थर्ड इशू कितना है? 50 इकाइयों का है। क्या रेट लेंगे हम? उसके पास जस्ट लिखा हुआ ना 2406.50/200, भाजक 200, ये होता है आपके 12.03। ये ले लेंगे 12.03 का भाव ले लेंगे। वापस से 12 स्टार्ट से करना, 12.03 × 50 ये होता है आपके 601.50। घटा देंगे माइनस 2406.50, ये आएगा आपके 1805। 200 में से कितनी इकाई भेज दी मैंने? 50 की, तो मेरे पास अभी भी 150 यूनिट बची हुई है। ऐसे हमें वेटेड एवरेज करेंगे। वेटेड एवरेज सबसे इजी होता है, बाकी वाले में आपको सोचना पड़ता है कितना लेना है कितना देना है। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, इसमें देखो आपके कारखाने में 7 मई 2015 से समाप्त हुए वर्ष के लिए सामग्री का आपको प्राप्ति एवं निर्गमन के संबंध में दे रखा है, और प्रारंभिक स्टॉक ओपनिंग बैलेंस भी आपके दे रखा है 10 रुपये वाले हैं 100 इकाई, ये बैलेंस है आपका ओपनिंग। फिर यहाँ स्टार्ट होता है इश्यू, रिसीव्ड, फिर इश्यू। इश्यू के जस्ट बाद में क्या है आपके, लॉस हो गया 2 टन का, तो 2 टन का आपको लॉस भी लेना है। इश्यू के जस्ट बाद आपको लॉस अलग से लेना पड़ेगा, वापस से आपको बैलेंस निकालो और ये लेना पड़ेगा। फिर है रिसीव्ड बैक फ्रॉम क्या लगे 20 टन ऑर्डिनरी, मतलब रिसीव फाचा रिसीव पर इश्यू फिर इश्यू फिर इश्यू, बस ये लॉस हो रहा है 2 टन का। तो अभी हम क्या कौन सा मेथड कर रहे हैं? फीफो मेथड से कर रहे हैं, फीफो और लिफो दोनों करेंगे। अगले वाले क्वेश्चन में आपके फिर से वेटेड एवरेज है और फिर आपके सिंपल एवरेज दोनों दे रखे हैं आगे आगे। सबसे पहले अभी आपके बैलेंस है 100 टन का 10 रुपये के हिसाब से, लिफो ले रहे हैं तो जाके लिखेंगे हम 100 है 10 के भाव से, तो कितना हो गया आपके 1000 हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे। देखो ये तो है भी आपका ओपनिंग बैलेंस है, जो यहाँ पर आसे डैश कर दो, और हमारे पास 100 टन माल है 10 रुपये वाला, कितना हो गया हमारे पास 1000। सबसे पहला पॉइंट जो है वो लिखते हैं हम, वो है आपके इश्यू है और ये देर का है 60 टन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे इश्यू में 60 टन और रेट यही लेंगे हम 10 रुपये वाली, तो कितनी हो गई आपके यहाँ पर 600। 1000 में 600 का माल चला गया, तो पीछे कितना बचा है 400, यहाँ लिखेंगे 40 बचा है 10 रुपये वाला। ये सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब लेते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड है रिसीव्ड है, तो हम यहाँ लिखेंगे 120 रिसीव्ड है 10.20 से, तो इधर होता कितना होता गुणा करने पर, गुणा करो देखो 120 × 10.2 ये आता है आपके 1224, 10.10 है ना, 10.10, तो 120 × 10.10 ये होता है आपके 1212, और ये वाला जोड़ देंगे साथ में 400 पहले था 1212 और हो गया, कितना हो गया अब आपके 1612 हो गया, और यहाँ लिखा है 40 तो है 10 के भाव की और 120 है 10.10 के भाव की, ये दोनों मिलाकर आपके ये है। अब आगे आपके दे रखा है वापस से इश्यू दे रखा है, तो हमें लिखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है अभी आपके यहाँ पर 50 इश्यू है, 50 है ना, तो देखो यहाँ पर हमारे पास फीफो मेथड है, फीफो हम क्या आएगा पहले 40 आएगी,
और फिर हम 10 लिखेंगे। अब ये तो है आपके 10 के भाव की, क्योंकि मुझे 50 करना था टोटल, और ये 10 का भाव, बाकी भाव का क्या होगा, 10.10 का भाव होगा। तो 40 तो है अभी आपके 10 के भाव की, 400, और 10 है आपके 10.10 के भाव की, जो 101 हो गया। टोटल कर लेंगे तो ये होता है आपके 501 होता है, इन दोनों की जोड़ करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ क्या करते हैं, अंतर निकाल लो, -1612 ये होता है आपके 1111। अब यहाँ लिखेंगे हम 120 है मेरे पास, 110 है, 10.10 के भाव। अब वो आपके जो लॉस हुआ है ना, लॉस अब लिखना है, ये लॉस हो गया, लॉस में भी यही भाव लेना है 10.10 का। तो 2 × 10.10 ये हो जाएगा आपके 20.2 -11 ये आएगा आपके 1090.8। और यहाँ लिखेंगे मेरे पास बची है 108 इकाइयाँ बची है 10.10 के भाव। चौथ चेक कर लेते हैं, 108 × 10.10 ये हो गया 1090.8, ये भी हो गया। पहले ये लेना, उसके बाद में लॉस भी आपको ले लेना, ये भी लिफो मेथड से ही आपको, फीपो से ही लेना है आपको। आगे क्या दे रखा है आपके, इश्यू, ये फोर्थ पॉइंट भी हो गया, फिफ्थ पॉइंट भी हो गया, चौथा पॉइंट क्या है, रिसीव्ड है, ये तो आप लिख देना, ये तीसरे पॉइंट में हो गया। अब चौथा पॉइंट है अभी रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना है, 20 टन है, क्या भाव से है, 20 है 9.9 के भाव से। तो यह कर देंगे 20 × 9.9 ये होता है 198 प्लस 1090.8 ये होता है आपके 1288.8। अब यहाँ करेंगे 108 तो है 10.10 के भाव की, और 20 इकाइयाँ है 9.9 के भाव से, ऐसे आपको लिख देना उधर। यस, अब क्या करना है आपको, अब करना है इश्यू, इश्यू कितनी है, 80 टन है, 80 है ना, 80 पूरा को इसमें ले लो कंप्लीट, तो 80 पूरा पूरा इसमें से ले लेते हैं, 10.10 से ले लेते हैं, तो ये होगा आपके 80 × 10.10 ये होता है आपके 808 -1288.8 ये होता है 480.8 ये दोनों के लिए है। अब यहाँ लिखेंगे देखो 108 में से मैंने 80 भेज दी, पीछे बची आपके 2800 बची 10.10 के भाव की, और 20 बची है मेरे पास 9.9 के भाव की। अब हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट क्या देर का है, रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड यहाँ पांचवा पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट लेते हैं, रिसीव्ड दे रखा है आपके 44 इकाइयाँ 10.2 के भाव से, तो 44 × 10.2 ये होता है 448.8 प्लस 480.8 ये हो गया है आपके 929.6। अब ये कितना होगा आपके, 28 तो है 10.10 के भाव की, 20 है 9.9 के भाव की, और 44 अब नहीं आई है 10.2 के भाव की, ये तीन भाव हो गए, तीनों से अलग अलग। अब लास्ट वाला क्या बचा है आपके, इश्यू है 67 टन, सातवा लास्ट पॉइंट इश्यू है 67 है, तो पहले 28 यहाँ से लेंगे हम, फिर 20 यहाँ से लेंगे, 10.10 9.9। अब देखो बेचनी कितनी है, 67 में से कितनी काम ले लिया मैंने, 48 काम ले लिया, अभी भी 18 कम है, 18 कहाँ से काम लेंगे, यहाँ से 10.2 के भाव से, एक साथ लिखेंगे 28 तो है मेरे पास 10.10 के भाव की, एम प्लस 20 × 9.9 एम प्लस 18 × 10.2 एम प्लस फिर एम आर सी, तो यह आएगा 664.4 -929.6 तो ये बचा है 265.20। और केवल ये इकाई बची है, तो घटाओ 44 में से कितना गया आपके, 18 गए, 18 हमने भेज दी यहाँ पर, कितनी बची है, 26 बची है 10.2 के भाव की, तो 26 इकाइयाँ 10.2 के भाव की है, और ये होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा।
लिफो में देखो क्या है आपके, पहले तो बैलेंस, पहले तो दे रहेगा वही क्वेश्चन वापस से, बैलेंस दे रहेगा कितना बैलेंस है, वही सबसे पहले था 1000 रुपये का 100 इकाई 10 के बाद। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या है इश्यू है 60 टन, 60 पूरी पूरी हम कहाँ से ले लेंगे, 60 हम यहाँ से ले लेंगे, कितना होता है 60 लेना है, क्या भाव से लेंगे 10 के भाव से, कितना हो गया 600, यहाँ कितनी बची 400, 40 इकाइयाँ 10 के भाव। अब क्या करना है आपको, सेकंड पॉइंट रिसीव्ड कितनी है 120 इकाइयाँ 10.10 के भाव से, ये होता है 1212, तो 400 और 1212 कितना होता है 1612, जिसमें 100 है 10 के भाव से और 40 है 10 के भाव से और 120 है 10.10 के भाव से, ये तो ये रहा और ये नया खरीदा, दोनों हो जाएंगे। अब है आपके थर्ड, तीसरा पॉइंट क्या है, इश्यू है 50, तो देखो हम लिफो मेथड है तो पीछे से लेंगे पूरी 50 आती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 50 लेंगे 10.10 के भाव से, तो लिख देंगे भाई 50 × 10.10, ये होता है आपके 505 माइनस 1612, ये होता है 1107, इसमें से 50। अब 40 तो है आपके 10 के भाव की, 120 में से 50 बीज दी, 70 बची है 10.10 के भाव से, तो ये बची है 40 पूरी, क्योंकि हमने पीछे से बेचा ना, इसलिए ये इसमें से माल गया आपके, इन दोनों की जोड़ ये होनी चाहिए 1107। अब है आपके चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है आपके, चौथा पॉइंट नहीं उससे पहले आपके क्या है लॉस है, लॉस भी हम यही से लेंगे पीछे से, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 इकाइयाँ 10.10 के भाव से, कितना होता है 2 × 10.10, ये होता है 20.2, घटा दो 1107 में से, पीछे बचा है आपके 1086.8, यहाँ लिखेंगे 40 तो है 10 के भाव से और 68 है 10.10 के भाव से, ऐसे दो इकाई यहाँ से चलेगी, लिफो है ना तो पीछे से जाएगा। अब है हमारा चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट रिसीव्ड है कितनी है 20 टन है 9.9 से, कितना होता है 198, अब 198 जोड़ लो, ये होता है 1284.8, 40 तो है 10 के भाव की, 68 है 10.10 के भाव की और 20 है 9.9 के भाव की, तीन भाव हो गए। अब पांचवा पॉइंट है आपके इश्यू, इश्यू कितना है 80 टन पीछे से लेना है, तो 20 यहाँ से लेंगे 9.9 के भाव से, 80 बेचनी है ना, 20 तो हो गए 60 कम पड़ती, 60 इसमें से ले लेंगे, 60 लेंगे 10.10 के भाव से, तो 20 × 9.9 तो पता ही है 198, 60 × 10.10 एम प्लस एम आर सी हो गया है 804। अब क्या करेंगे इसमें से घटाओ माइनस 1284.8, ये होता है 480.8, इसमें देखो 40 तो कितनी भाव की है 10 के भाव, ये बेच दी मैंने पूरी, इसमें से मैंने 60 बेच दी तो कितनी बची है 8 बाकी बची है और 10.10 के भाव से, 8 बची है 10.10 के भाव से। अब है आपके छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है रिसीव्ड है 44 इकाइयाँ 10.20 के भाव से, तो यहाँ करेंगे 44 × 10.20, ये होता है 448.8 प्लस 480.8, ये होता है आपके 929.6। अब यहाँ लिखेंगे वापस यही चीज़, 40 है 10 के भाव से, 8 है 10.10 के भाव से और 44 है 10.20 के भाव से, तीन भाव मेरे पास पड़े। अब हम क्या करेंगे कि हमें बेचनी है लास्ट में, कितनी बेचनी है 66 बेचनी है, तो 44 ये चली गई क्या भाव से 10.20 के भाव से, 8 ये चली गई 10 पीछे से चलना ना इसलिए, अब 66 बेचनी है, 66 में से 44 गया 22 बचा, 22 में से 8 और ले ली, 14 कम पड़ रही और,
चौदह लेंगे हम किस भाव से? दस के भाव से। तो 44 है आपके, वैसे भी यही कहा है, देखो इससे बैलेंस निकाल दो पता चल जाएगा। देखो 40 में से कितने गए? 14 गए, पीछे कितने बचे? 26 बचे हैं 10 के भाव से, कितना आएगा यहाँ पर? 260। तो 929.6 माइनस 260 ये आएगा आपके 669.6। ये चाल चला जाएगा, पीछे ये बैलेंस बच जाएगा 260 रुपये का माल 26 इकाइयाँ 10 के भाव से। सबसे पहले है अभी आपके बैलेंस, बैलेंस कितना है आपके? 1000 रुपये में 10 वाली इकाइयाँ हैं, 10 रुपये वाले स्वाब हैं। इसमें केवल भाव पर ही ध्यान देना है आपको, ओनली रेट कितना है वही आपको काम में लेना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है आपके? इश्यू करनी है 60 यूनिट, तो हम यहाँ लिखेंगे 60 इश्यू किया 10 के भाव से, कितना गया? 600 रुपये। तो मेरे पास कितना बचा है? 400 का माल बचा है और एक ही भाव है मेरे पास, 10 का भाव है। अब क्या करेंगे हम? रिसीव्ड करेंगे, कितने रिसीव्ड करेंगे हम? 120 है, 10.10 का भाव, और कितना आएगा यहाँ पर आपके? 120.12 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम? 400 पहले 1212 और हो गया, कितना हो गया? 1612। मेरे पास 10 वाला भाव भी है और 10.10 वाला भाव भी। अब क्या करनी है मुझे? इश्यू करनी, थर्ड पॉइंट। इश्यू कितनी करनी है? 50। तो मैंने करनी है 50 इश्यू। अब भाव क्या लेंगे हम? दोनों का एवरेज लेना है, दोनों को जोड़ो 10 और 10.10 बटा 2, ये हो जाएगा आपके 10.05। 10.05 पाँच मत देना, 50 × 10.05 ये होता है 502.5। अब क्या करना है आपको? 1612 में से घटाना है, कितना घटाना है? 502.5, ये आता है आपके 1109.5। अब मेरे पास कौन सा भाव बचा है? 60 गया, 50 गया। लिफो में देखो, इसमें फीफो भी चलता है, तो मतलब 110 चली गई, इसका मतलब ये 10 वाला भाव पूरा चला गया। अब मेरे पास कौन सा भाव बचा है? ओनली 10.10 का भाव ही बचा है। इसमें आपको फीफो मेथड भी साथ में यूज में लेना है कि 110 गई, इसका मतलब ये 100 इकाइयाँ यहाँ से चली गई। अब क्या करना है अभी आपको? अब 2 टन वो जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज लेना है। वेस्टेज कितना है आपके? 2 टन है। क्या भाव लेंगे हम? 10.10। तो यहाँ लेंगे हम 2 × 10.10, ये होता है 20.2 माइनस 1109.5, ये होता है 1090.3। अब मेरे पास एक ही भाव बचा हुआ है 10.10 वाला। अब लेना है मुझे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या है? रिसीव्ड है 20 टन 9.9 के भाव से। तो मेरे पास 20 टन माल बचा है 9.9 के भाव से, कितना होता है? 198। अब 198 और जोड़ देंगे 1090.3, 1287.3 होता है। अब मेरे पास दो भाव हो गए, 10.10 का भाव भी है और 9.9 का भाव भी। अब हम करते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में देखो इश्यू है, कितना इश्यू है? 80 टन है। तो 80 पूरा पूरा एक साथ ही लेंगे। अब भाव लेंगे दोनों का एवरेज, 10.10 प्लस 10.9 बटा 2, 9.9 देखते हैं कहाँ से 9.9 है। 9 यहाँ पर 9.9 है, 9.9 है। 10.10 प्लस 9.9 फिक्स कितना होता है? 10। फिर ये कितना होता है आपके? 800। तो 1287.3 में से गया आपके 800, ये बचा है 487.3। अभी हमारा कितना भाव है? तो 60 गया है, 110 गया, 110 दो और गया, 112 180 गया, 200 के आसपास होता है कम से कम।
लेकिन ये 100 है नहीं, ये कितनी है आपके 120 है, 220 के बाहर जाएगी ना तब जाके ये भाव, नहीं तो फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम कौन सा मेथड देख सकते हैं, लिफो मेथड, फीफो मेथड भी आप देख सकते हो कि ये 80 टन बेचने के बाद मेरे पास कौन सा भाव बच गया था, मेरे पास दो भाव बच गए थे, ये दो भाव है 10.10 और 9.9 अभी भी है, तब यहाँ लिखेंगे 10.10 और 9.9 अभी भी ये वाला माल हमारे पास पड़ा है, ये माल तब जाएगा जब 100 तो ये 120 ये 220 से ऊपर माल बेचेंगे तो जाएगा भाव, तब तक यही भाव रहेगा हमारे पास। अब है छठा पॉइंट, छठा है आपके 44 टन है 10.20 के भाव से, तो हम यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड 44 टन है 10.20 के भाव से, 44 × 10.20 448.8 प्लस 487.3 ये होता है आपके 936.1। अब भाव कितना हो गया, 10.10 का भाव, 9.9 का भाव, 10.2 का भाव। अब हम लेंगे सातवां पॉइंट, सातवां क्या है आपके इश्यू है, कितना इश्यू है 66 टन। अब तीनों भाव लेना पड़ेगा, तीनों का एवरेज लेना पड़ेगा, 10.10 प्लस 9.9 प्लस 10.2, तीनों में तीन का भाग लगाएंगे, ये होता है आपके 10.06 होता है, सात कर लेते हैं, 0.66 लगाता हो रहा है, सात कर लो वापस से आपको स्टार्ट 66.66 × 10.7 10.07 ये होता है 664.62 माइनस कर देंगे 936.1 ये आता है आपके 271.48। अब यहाँ पर कौन कौन सा भाव है, ये भाव चला गया मेरा, अब 9.9 का भाव है और 10.2 का भाव ऐसा बचा हुआ है, ये वेटेड एवरेज के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, सय के कारण मूल्य वृद्धि, देखो क्या लिखा हुआ है, मूल्य वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि करते हुए आपको क्या करना है, सय जो हो रहा है ना इसमें आपको लेना नहीं है, और क्या करना है मूल्य में क्या कर देनी है आपको वृद्धि कर देनी, रेट में क्या करनी है आपको वृद्धि कर देनी। अब रेट में कैसे वृद्धि करेंगे वो भी निकालते हैं, देखो इसमें आपको क्या पूछा है, मूल्य में वृद्धि करनी है आपको, टन की जगह जहाँ वो हो ना शय हुआ, शय में जो वृद्धि हुई ना, शय हुआ ना बिना मतलब का, उसमें मूल्य में क्या कर देनी है आपको वृद्धि करनी है। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान लगाना, वेस्टेज के बाद बताएंगे, अभी तो देखो वेस्टेज आने दो, पहले पहले हमारे पास क्या है बैलेंस है, कितना बैलेंस है 1000 रुपये है और 100 टन है क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपके पहला पहला क्या है आपके इश्यू, इश्यू कितना है आपके 60, 10 के भाव से कितना होता है 600, 10 का भाव कहाँ से आया, इसको इसमें भाग देकर ऐसे निकालना है, ऐसे 1000/100 ऐसे आएगा आपका भाव। अब हमारे पास क्या बचा है 400 तो रुपये बचे, इकाई कितनी बची है 40, जैसे इकाई ध्यान देनी है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास रिसीव्ड कितनी है 120 है 10.2 के भाव से 1200 10.10 के भाव से 1212। अब देखो रुपये कितने हो गए 1612, इकाई कितनी हो गई 40 पहले थी 120 और हो गई कितनी होगी 160 हो गई। थर्ड पॉइंट है भाई आपके इश्यू, कितना इश्यू है 50 है, 50 के लिए भाव यहाँ से निकालेंगे, मतलब 1612 में मुझे भाग देना है 160 का, भाग दो 1612 / 160 ये होता है आपके 10.08 कर दो, 0.75 है ऐसे तो, लेकिन दो अंक तक ही लेना है आपको, 50 × 10.08 ये है आपके 504 504 − 1612 ये होता है 1108 160 में से गया आपके 50 110। अब ये कह रहा है आपके क्या लेना है आपको वेस्टेज लेना है, अब ये कह रहा है कि वेस्टेज से मूल्य में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। अभी बताओ अभी इसमें हमने रेट निकाला तो क्या रेट आया था 10.075 ऐसा रेट आया था। अब ये कह रहा है मूल्य में वृद्धि होगी, तो मूल्य में वृद्धि होगी तो मूल्य में वृद्धि कैसे होती है कि इकाइयों में कमी हो जाए और ये वाला आपके
बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो लिखेंगे, यहाँ पर रुपए लिखेंगे ही नहीं, मूल्य में वृद्धि। देखो मूल्य में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी आपके, अब रुपये तो वही है, टन में क्या आ गया आपके कमी हो गई। अब देखो अगर आप, अब अगर 1612 में अगर आप 1612 क्या 1108 1108 में भाग देंगे किस काम 108 का, इसमें भी यही आता रेट आप निकाल लेना क्योंकि हमने वही एवरेज लिया है। तो 1108 में भाग देंगे किसका 108 का, तो रेट आ जाएगी आपके 10.259। रेट में क्या आ गई आपके वृद्धि आ गई, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लोगे तो यहाँ पर मूल्य में क्या हो जाएगी आपकी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ कुछ लेने ही नहीं है, रुपये लेने ही नहीं, कोई भी रेट लोगे नहीं तो क्या होगी आप प्रति इकाई मूल्य क्या होगा बढ़ जाएगा 10.259 हो जाएगा। ऐसे करना बस, यहाँ पर आपको रुपये नहीं लेने। चौथा पॉइंट रिसीव, रिसीव में क्या करना है, कितना रिसीव है 20 टन क्या भाव है 9.9 कितना होता है 198 और रुपये जोड़ लो 1108 प्लस 198 ये हो गए आपके 1306। अब इकाई 108 यहाँ पर है, 20 और खरीद लिए कितनी हो गई 128 हो गई। अब हमें क्या करना है आगे, इश्यू पांचवा पॉइंट इश्यू कितना है 80 टन ये निकालना पड़ेगा आपको। तो 1306 में भाग देंगे हम 128 का, 1306 भाजक 128 तो ये दे रखा आपके 10.2 का भाव आ गया, 80 × 10.2 ये होता है 816 माइनस 1306 ये होता है 490। 128 में से 80 इकाएँ बीज दी, पीछे कितनी बची 48 इकाएँ बच गई। अब लेते हैं छठा पॉइंट, छठा पॉइंट क्या है रिसीव्ड है कितना है 44 इकाई 10.2 के भाव से 44 × 10.2 का भाव 448.8 प्लस, अब रुपये में रुपये जोड़ लो प्लस 490 रुपये ये होते हैं 938.8। 48 पहले थी क्या 44 और हो गई तो कितनी हो गई 4 × 8 बोरण इकाई हो गई हमारे पास। अब लास्ट क्या बचा है आपके इश्यू, कितना इश्यू है 80 कितना 66 टन है। तो अब रेट निकालेंगे यहाँ से तो 938.8 बटा बोरण भाजक बोरण तो ये होता है अभी आपके 10.2 तो यहाँ लेंगे हम 10.2 लेंगे क्योंकि देखो 10.2 पहले था 10.2 उसमें था ही 10.2 का भाव और आया तो वो भाव में कोई फर्क ही नहीं पड़ा 10.2 × 66 ये होता है आपके 673.2 माइनस कर देंगे 938.8 ये होता है 265.6। अब बोरोन में से घटाएंगे हम 66 ये बचेगा आपके 26 ऐसे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब